नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया एक नए पॉडकास्ट के साथ उपस्थित हूँ। क्या 2025 में सोने का भाव स्थिर हो जाएगा? जी हाँ, यही विषय है आज के पॉडकास्ट का, जिसे अंत तक सुनने की ज़रूरत है। यह पॉडकास्ट मध्यम वर्ग के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल, दृश्य संपादन एवं प्रस्तुति सिद्धार्थ गौतम ने की है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2024 में सोने की कीमत औसतन $2100 प्रति औंस रहेगी। यह अनुमान इस बात पर आधारित है अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति पर। हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव अथवा संघर्ष के कारण वैश्विक रूप से पूंजी निर्माण एवं व्यवहार अनिश्चितता बढ़ सकती है। मूल्यवान धातुओं के मूल्य में तेजी से उछाल भी इसी कारण आता है। ING का अनुमान है कि साल 2024 में सोने की कीमत औसतन $2031 प्रति औंस रहेगी, जबकि चौथी तिमाही में इसका औसत $2100 प्रति औंस रहेगा। यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए अनुमान है। आइए भारत के संदर्भ में सोने की कीमतों के संबंध में चर्चा करते हैं। 2025 के बाद आएगी सोने में स्थिरता। सवाल यह है कि क्या भारत में सोने की कीमतों में भविष्य में स्थिरता आ सकती है? यह समकालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत में सोने की कीमत का अनुमान कई आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अधीन है, पर विश्लेषकों का अनुमान था कि साल 2024 के अंत तक सोने की कीमतें लगभग 75,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है, परंतु सोने की कीमतों में विश्लेषकों के अनुमान को गलत साबित करते हुए पहले 6 महीनों में ही बढ़त बना ली है। कुछ अनुमानों के मुताबिक साल 2024 के अंत तक सोने की कीमत 80,000 से 1,00,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। इससे स्पष्ट है कि सोना लगभग 1,00,000 प्रति 10 ग्राम वर्षांत के पूर्व ही हो सकता है। साल 2025 तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 से अधिक नहीं होगा। वर्तमान में कम मूल्य वाले स्टॉक पर निवेश बढ़ाना जारी है, परंतु टैक्सेशन को देखते हुए मध्यम वर्ग पूंजी बाजार विनियोग के लिए मानसिक तौर से तैयार नहीं है। अर्थव्यवस्था का वित्तीय विश्लेषण एवं मध्य वर्ग के पूंजी निर्माण की दर को देखकर लगता है कि वह अपनी बचत विनियोजित में ही विनियोजित करेगा। मध्य वर्ग का पूंजी निवेश तब तक सोने में होता रहेगा जब तक कि सोने की कीमतों में 2015 और 2018 के बीच बीच की स्थिरता ना बने। ऐसा लगता है कि 2025 में सोने के मूल्य में स्थिरता के संकेत नहीं हैं। आपने देखा होगा 2019 में अचानक 56% की वृद्धि के साथ सोने में उछाल आना शुरू हो गया था। सोने की कीमतों में यह वृद्धि आंशिक उतार चढ़ाव के साथ 2030 तक जारी रहने की संभावना है। वर्तमान में सोने में उछाल का प्रतिशत मासिक रूप से 3.9 रहा है, जबकि वर्तमान तिमाही में 2.4% वृद्धि मापी की गई। 6 माह एवं 1 वर्ष में हुई बढ़त पर नजर डालें तो 17.9% तथा 24.7% वृद्धि दर है। कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में कीमतों में बढ़ोतरी 117.7% के साथ उच्चतम स्थान पर है। अगर सरकार आयकर पर अधिकतम सीमा को बढ़ा देती है तो देखा जा सकता है कि स्वर्ण कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। बहरहाल केवल अनुमान है, वास्तविकता तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सोने की कीमतों में स्थिरता की कल्पना फिलहाल करना गलत होगा। समसामयिक परिस्थितियां तो यही संकेत दे रही हैं। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।